सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को ईश्वर पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन और कर्म में समानता हो। आज का पंचांग 12 मई 2024 दिन रविवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 2:04 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:17 से 6:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 5:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 12 मई 2024 दिन रविवार, लोगों का आप ध्यान रखें जो किसी संकट का सामना कर रहे हैं। यात्रा की योजनाओं को पुनः निर्धारित करने की जरूरत हो सकती है। आज वह दिन है जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल दिमाग पर हावी हो सकता है जिससे सही दिशा प्राप्त होगी। प्यार अनुभव और कृतज्ञता के साथ हर पल को जीना आध्यात्मिक अनुभव है। सपने देखे सपने विचारों में बदलते हैं और यही विचार सफलता की ओर आपको बढ़ाते हैं। आप इस समय पार्टी में जाने और अपने प्रियजनों के साथ भोजन और कला का मजा लेने के मूड में हैं। आनंद ले किंतु कम खर्च करें। आपके व्यवहार कुशलता में निखार आ रहा है और आज आपका यही गुण आपकी तारीफ में सहायक होगा। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी द्वारा अपने संपर्क सूत्रों का फायदा उठाने में सक्षम रहेंगे। कोई पुराना विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। भविष्य संबंधित बातों के बारे में विचार करके वर्तमान में क्या करना है ये बात आपको समझ आएगी। वक्त का योग्य तरीके से इस्तेमाल करना सीखने की आवश्यकता है। आज खुद को मानसिक तौर पर आराम देने की कोशिश करें, तभी बातों को ठीक से समझना और उनमें बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। नई जिम्मेदारियों को फिलहाल स्वीकार न करना ही आपके लिए ठीक होगा। वर्तमान की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते रहें। पैसों संबंधित निर्णय हो रही चिंता की वजह से काम पर असर हो सकता है। काम की क्वालिटी पर ध्यान देना भी जरूरी है। सावधानियां, बेहतर होगा कि संबंध खराब होने जैसी स्थितियां भी ना उत्पन्न होने दें। किसी खास कार्य के लिए लोन लेने की प्लानिंग है तो अपने सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। किसी नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, ख्याल रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके प्यार में सच्चाई है जिससे आपका रोमांटिक जीवन और भी पार्टनर को किस आलिंगन करना या एक मुस्कुराहट आपकी चाहत की ही निशानी है। यात्रा में विलम्ब हो सकता है, आप अपनी आजादी का पूरा मजा लें जो आपके लाइफ को नया मतलब देगी। आप हमेशा उसी दिशा में जाना पसंद करते हैं जहां आपका मन करता है। आपकी प्रतिभा और रचनात्मकता आपको सबकी आंखों का तारा बनाती है और यही वो खुशियां हैं जिनसे आपने अपने प्यार के दिल में जगह बनाई है। बात करते हैं करियर की। अगर आज आप किसी नए करियर या व्यापार के बारे में सोच रही हैं तो पहले किसी काउंसलर या करीबी से राय ले लें। विद बैंक और धन संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है। जल्दबाजी न करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। अपने दिल की सुने, इससे आप निराश नहीं होंगे। आज आपके जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा और खुशियां आपका पीछा करेगी। अपनी सोच को बड़ा करें और छोटे छोटे निर्णय करने में समय न गंवाएं। प्यार और अनुग्रह का एक पल भी आपके जीवन को अच्छी यादें प्रदान कर सकता है। जीवन में जोखिम लेने से पीछे बिल्कुल न हटें।
आज व्यवसाय में कोई नई उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पूरे उमंग के साथ उसका स्वागत करें तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। कार्यस्थल में छोटी मोटी समस्याएं आएगी, स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बनेगा। बात करते हैं सेहत की। भोजन के बाद लेटने, आज आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आप भोजन के बाद लेटने से बचें। खाने के बाद चाल चलें अर्थात टहल लें, जिससे खाना अच्छे से पच जाए। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए, जिससे पाचन क्रिया में सुधार हो। भोजन को अच्छे से चबा कर खाएं ताकि यह अच्छे से पच जाए। व्यायाम करने से भी पाचन तंत्र को सहायक होगा। आज का उपाय, आज आप सूर्य पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।